हेलो व्यूअर्स, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आपको पता होगा कि जब हम भावनात्मक रूप से दुखी होते हैं या बहुत खुश होते हैं तो हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं, और जब ये आंसू आते हैं तो आप देखते होंगे कि आंसू के साथ साथ हमारी नाक भी बहने लगती है। तो आंसू के साथ साथ हमारी नाक क्यों बहने लगती है, इसके बारे में जो है आज मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहां पर आप ये देख रहे होंगे कि ये आंख का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसमें एक आंख के लिए दिखाया गया है। तो इसमें ये आंख के सबसे ऊपरी हिस्से में ये देख रहे होंगे, ये जो बादल टाइप का ये दिख रहा है पोर्शन, ये होता है लैक्रिमल ग्लैंड, यानी इसको हम कहते हैं अश्रु ग्रंथि। ये जो है अश्रु ग्रंथि होता है, ये अश्रु ग्रंथि और पलकों के बीच में इंटरनल, ये जो आप देख रहे होंगे ये पोर्शन जो देख रहे होंगे, ये होता है टीयर एक्सक्रीटरी डक्ट, अर्थात ये अश्रु उत्सर्जक वाहिनी ये होता है। यहां से आंसू उत्सर्जित होते हैं, उत्सर्जित हो करके और ये पलक के ऊपरी वाले पोर्शन से इस तरह से अंदर से ये होते हुए ये पहुंचते हैं इस बिंदु पर। अब यहां पर ये देख रहे होंगे कि एक यह बिंदु और यह बिंदु, यह अश्रु बिंदु कहलाता है, यह जो है अश्रु बिंदु कहलाता है, जिसे पंक्टा लैक्रिमलीज कहते हैं। मीन्स ये हो गया अश्रु बिंदु, ये दोनों अश्रु बिंदु हो गया। अब दोनों पलकों की तरफ से ये होते हुए ये यहां पहुंचता है। अब यहां पहुंचने के पश्चात इसके बीच में ये जो आप ये पोर्शन देख रहे होंगे, ये जो ग्रंथि है, इसी ग्रंथि से आंख को लुब्रिकेशन के लिए स्वेट और आयल जो कहा जाता है, यह उत्सर्जित करती रहती है, जिससे कि आंख जो है यह मुलायम बनी रहती है, यानी आंख में जो लुब्रिकेशन है वो कंटिन्यूअस बना रहता है। आंसू जब इधर से होते हुए इस अश्रु बिंदु पर पहुंचता है तो यह जो है अश्रु बिंदु, यह मुख द्वार होता है, मुख द्वार होता है मतलब कि यहीं से आंसू जो है निकल करके आंख में आते हैं। अब यहां से ये जो नली होती है, इसके पीछे आप ये देख रहे हैं दोनों जो पोर्शन देख रहे हैं, ये होता है डक्टस लैक्रिमलीज, मीन्स ये अश्रु नलिका कह लीजिए या वाहिनी कह लीजिए ये। तो अब यहां से ये आंसू निकल करके और ये पहुंचता है इस पोर्शन पे, जब यहां से इस पोर्शन पे पहुंचता है जिसको कहते हैं सैकस लैक्रिमलीज, यह सैकस लैक्रिमलीज मीन्स अश्रु थैली होता है, ये होता है अश्रु थैली, यानी यहां से आंसू निकल करके और आंसू यहां पर जो है ये इकट्ठा हो जाते हैं। जब आंसू यहां इकट्ठा हो जाते हैं तो हमारे आंख, कान और नाक, गला, ये पोर्शन जो है एक जगह सब मिलता है। जहां पर मिलता है तो ये जो है यहां से अश्रु जो है, ये अश्रु इसके थ्रू, यानी जिसको हम डक्टस नासोलैक्रिमलीज कहते हैं, इसका आखिरी पोर्शन ये जाकर के खुलता है नोजल कैविटी। नोजल कैविटी मीन्स नाक गुहा, नाक गुहा, या इसी को जो है नासिका कहते हैं, इसी को नासिका कहते हैं। तो इसमें नासिका में जाकर के ये खुलता है, तो यहां से नासिका के थ्रू जो है यह कहां चला आया, मतलब इस डक्टस नासोमलीज के थ्रू जो है ये चला आया नाक गुहा में, और नाक गुहा में आने के पश्चात यानी यह नासिका में आ गया। जब नासिका में आ गया तो आंख से जो आंसू निकल रहे थे उसके साथ साथ
यह इस पोर्शन पे पहुंच करके और नाक के थ्रू जो है इस बाहर आने लगते हैं। यही कारण होता है कि रोते समय जो है आंसू के साथ साथ नाक भी बहने लगती है। और ये हम में से सबके साथ लगभग ये हुआ होगा, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, सबके साथ ऐसा हुआ होगा कि जब वह कभी भी रोए हो, रोया हो, तो आंसू निकलते हैं और आंसू निकलते हैं तो नाक बहना प्रारंभ हो जाती है। थैंक यू।